Welcome to video. This is safety and first aid, first part. We'll be seeing the rescue operations. And in this item, we'll be seeing ABCs of first aid. We'll be explaining about the ABCs of the first aid. And then we'll be telling about the rescuing of a person who is live contacting with a live wire. ABC kya kya hai, wo batayenge first aid ka. Uske baad ये पर्सन को वो अभी भी लाइव वायर पे कॉन्टैक्ट पे है, उसको कैसे रेस्क्यू कर सकता है उसके बारे में बताएगा। और फर्स्ट एड तो क्या है, वो इमीडिएट केयर है, इमीडिएट केयर एंड सपोर्ट देता है किसको, किसी को इमीडिएट केयर सपोर्ट देता है, वो बताता है फर्स्ट एड। द इमीडिएट केयर एंड सपोर्ट गिवन टू इंजर्ड और इल पर्सन, इफ समबडी इज हैविंग सम एनी इंजुरीज और सडनली सम वी आर नोइंग द पर्सन इज इल, देन वी हैव टू सपोर्ट दम। And in some cases, the accident or the problem will be so much dangerous. So we are able to save the life by the first aid. Itna khatarnak accident ho sakta hai, to hum first aid kar to uska life bhi save kar sakta hai. Koi first aid further injury remove karne ka hai. Abhi socho koi chot lagaya hai, wo bleeding ho sakta hai, to wo remove karna hai. Aur aage koi problem nahi hona hai, to kam karne ke liye. फर्दर इंजरी कुछ भी नहीं होना है उसके लिए फर्स्ट एड देता है। अभी कोई सेफ एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है, उससे सेफर एरिया तक शिफ्ट करना है, ये भी फर्स्ट एड का एक रिक्वायरमेंट है। सो द फर्स्ट एड इट इज टू शिफ्ट द विक्टिम टू ए सेफर प्लेस एंड द विक्टिम विल बी फाइंडिंग वेरी मच डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ द पोजिशन एंड वी हैव टू give the best possible comfort and support for them. So all these are given in the first aid. And let us see what is shortly first aid. It is a science of giving medical care to a person. Abhi socho doctor ko dikhana hai, uske pehle hi humko kuch karna hai, wohi first aids. And kisko kar sakta hai, sabhi ko nahi kar sakta hai, hamare liye uske bare mein proper knowledge hona hai, nahi to kya hoga, इट बी क्रिएट एडिशनल प्रॉब्लम। आपके पास जानकारी नहीं तो आप कोई मदद कर सोचे तो मदद करने का सोचो भी तो वो आगे प्रॉब्लम बन सकता है। सो वी शुड बी हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एंड कैसे कर सकता है, वो क्विकली एंड करेक्टली करना है, इतना तेज में करना है और करेक्टली भी करना है। क्यों, अभी कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सपोर्ट देने का। सो वी कैन से द टाइम अभी लाइफ का इक्वल होगा, टाइम इज लाइफ। अभी कोई एक्सीडेंट हो गया और इफ़ यू आर फाइंडिंग द सिचुएशन इज टू डेंजरस, फर्स्ट व्हाट वी डू, वी शुड बी एबल टू कॉल द डॉक्टर एंड देन वी शुड बी स्टार्टिंग द ऑपरेशन। द रेस्क्यू टीम एंड द डॉक्टर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड फर्स्ट, यू डू इट योरसेल्फ और आस्क समबडी टू डू इट एंड देन स्टार्ट द रेस्क्यू ऑपरेशन। So three key points we'll be telling. The three key points of the rescue operation. First is preserve life. If the person is okay, is having no spinal injuries and all, we can put him into recovery position. So this is the recovery position. What is the advantage? We can ensure the breathing, it can be easy. That is a एडवांटेज ऑफ दिस पर्सन। ऐसा पर्सन को बताता है रिकवरी पर्सन। जिसी पर्सन को कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है तो ऐसा असेस कर सकता है तो हम उसको ये रिकवरी पर्सन में डाल सकता है। किसी आदमी को कोई बॉन्ड का डैमेज, बॉन्ड ब्रोक हो गया, ऐसा जगह में नहीं यूज़ करना है। स्पाइनल इंजरी हो गया वो भी नहीं यूज़ करना है ये पर्सन। इफ़ द विक्टिम इज हैविंग एनी bone problems, bone damages on bone breakages or any spinal injuries, we should not be starting for or doing the recovery position. Or for others, we can do this one so that the victim can easily breathe. This is the method to do the recovery position. If something is in mouth also, it will be removed away or it will be easy to take the breath. So this is a recovery position. And the key point two is, we should not create additional harm. Ek
एक्सीडेंट हो गया है, हम अच्छा तरीके से करना है, नहीं तो क्या होगा, वो आगे भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, बॉन्ड अभी ब्रेक हो गया तो और भी उसमें खराब हो सकने का चांस है. सो वी शुड नॉट क्रिएट एडी फर्दर हार्म. एंड द थर्ड पॉइंट इज टू प्रमोट रिकवरी. अभी कुछ हो गया है, वो रिमूव करने का तरीका क्या कर सकते हैं, जैसा ए प्लास्टर उसमें स्टिक करना, अभी अप्लाइंग प्लास्टर टू वोंड इफ पॉसिबल, इट इज़ ए मेथड ऑफ रिकवरी. और गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जैसा रिकवरी के लिए कुछ अभी करना है. सो थ्री पॉइंट्स आर दिस इंपॉर्टेंट आइटम. नेक्स्ट वी बी सीइंग द एबीसीज ऑफ फर्स्ट एड. व्हाट आर द एबीसीज? फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर एयरवे. आप देख सकता है एयरवे इज देयर. व्हेन वी आर टेकिंग ब्रीथ इनसाइड देयर इज अ वे फॉर एयर. सो बाय मूविंग द हेड प्रॉपरली वी कैन एंश्योर दैट द एयरवे इज प्रॉपर. सो वी हैव टू कीप द एयरवे प्रॉपर. By moving the head properly, we can ensure that the victim head, it is giving path for airway. So this is the airway. We are opening it up by properly holding the forehead and the chin. So the airway should be clear. And next B is breathing. आपको check करना है, listen करना है, और we have to listen whether breathing is happening or just touch the chest part. We should be able to understand. If breathing is there, if breathing is there, it is okay, and we have to improve the way. Otherwise, if breathing is not there, within short time, we should start artificial respiration. Artificial respiration should be started at the earliest, without any delay. And about the third thing, it is known as the circulation. A blood circulation birth important hai. We have to ensure that the circulation is available. The oxygen, it is taken to the every part of body through blood. So blood circulation is important. The blood circulation can be checked by the pulse or the color and temperature of hands and fingers. If proper circulation is not there, we have to do some CPR, cardiopulmonary resuscitation. It is a item which is required training. So this is the C part of ABC. In the ABC, this is the circulation part, to ensure the blood circulation everywhere. We can check the pulses by the wrist part or the neck part like this. This is known as radial pulse and pulse in the neck part. And by putting some chest compression, we can increase the circulation. This can be applicable for non-responsive victims. जिसको कोई response नहीं है उसको ये कर सकता है chest compressions. अभी हम बताएंगे एक person, कोई person live wire पर touch हो गया तो क्या करना है. We'll be telling about the rescue of a person who is in contact with a live wire. So first and foremost thing, पहले क्या करना है, electricity supply है तो वो cut करना. तो लाइव वायर है तो पहला कंडीशन ये है, ये लाइव वायर रिमूव करना और स्टॉप करना सप्लाई. एंड उसके बाद हमारे लिए अपने आप इंसुलेट करना है और रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द सप्लाई. विक्टिम अभी लाइव वायर पे टच नहीं है तो उसको ऐसा एक कंफर्ट पोजीशन में डालना है. अभी भी वो विक्टिम क्या नहीं है तो वो विक्टिम लाइव वायर पे नहीं है. तो लाइव वायर तो क्या है करना है, लाइवर से उसको कोई ड्राई वुड जैसा इंसुलेटर से रिमूव करना है. सो इफ़ द पर्सन इज ऑलरेडी इन लाइवर कॉन्टैक्ट, देन ही शुड बी ओनली रिमूव्ड अवे बाय ए इंसुलेटर. वी शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड एंड वी शुड बी यूजिंग ओनली इंसुलेटेड रोड्स. एंड वी शुड बी एंश्योरिंग दैट वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द अनकॉन्शियस पर्सन टू ईट और ड्रिंक. कोई बेहोश है तो उसके लिए कुछ भी हम माउथ से देना नहीं, खाने के लिए और पीने के लिए. वो बहुत खतरनाक हो सकता है, ब्रीथिंग भी ब्लॉक हो सकता है. और वी शुड नॉट बी लीविंग एनी अनकॉन्शियस पर्सन अटेंडेड. जो भी अनकॉन्शियस है उसको हम अटेंड करना है ही और रेस्क्यू टीम को बुलाना है. और आप देख सकता है और यूज़फुल वीडियोस आर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू.